बिहार के सिवान में 6 नए नगर पंचायतों का जो है गठन इस बार हुआ था और यहाँ के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का शपथ ग्रहण भी हो चुका है और ये लोग विकास कार्यों को गति देने में लगे हुए हैं। हालांकि जो नए 6 नगर पंचायत बने हुए हैं, यहाँ पे किस प्रकार के कर वसूला जाएगा और क्या क्या सुविधाएं वहाँ पे जनता को मिलेंगी, इस पर हम विशेष जानकारी कार्यपालक पदाधिकारी से लेंगे और उनसे जानेंगे कि क्या फैसिलिटी जो है नगर पंचायत जब बनता है तो मिलता है और किस प्रकार जनता उसका लाभ ले पाएंगे। सर, क्या क्या नगर पंचायत बनता है, क्या क्या कैसे कर लगता है? देखिए, नए नगर पंचायत का जब गठन होता है तो नगर पंचायत गठन होने के साथ ही सारी व्यवस्थाएँ सुव्यवस्थित होने लगती हैं और उसमें जनता को जो है सारी सुविधाएं जैसे लाइट वगैरह की, रोशनी की, सड़क की, पानी की सारी सुविधाएं उनको मिलने लगती हैं। और इसके लिए जो नया उनके ऊपर कर निर्धारण होता है वो गृह कर निर्धारण, दुकानदारों पर व्यवसायिक कर निर्धारण, ट्रेड लाइसेंस के लिए उनको कुछ फीस जमा करना पड़ता है, साथ ही व्यवस्थित ढंग से सभी मकान बने उसके लिए नक्शा पास कराना होता है और नक्शा के लिए भी कुछ निर्धारित फीस है जो उनको देना पड़ता है। जो ग्राम पंचायत होता है उसकी अपेक्षा नगर पंचायत को ज़्यादा ही विकास देखा जाता है। जाहिर सी बात है, ग्राम पंचायत में एक तो सारी योजनाओं की व्यवस्था नहीं रह पाती है, खास करके रोशनी की, लाइट की, पानी की और सड़कों की, है ना। और शहरी क्षेत्र होने के साथ ही सारी व्यवस्थाएँ शहर के अनुकूल होने लगती हैं, इसलिए ग्राम पंचायत की अपेक्षा में इनको ज़्यादा सुविधाएं मिलती हैं। लोन वगैरह की क्या कुछ व्यवस्था होती है, क्या कुछ लेना चाहिए? नगर पंचायत या नगर निकाय होने के साथ ही जो फुटपाथी दुकानदार हैं उनको जो है स्वनिधि योजना से 10,000 का शुरू में मिलता है फैसिलिटी, उसके बाद उनको आगे भी लोन की फैसिलिटी दी जाती है। हाँ, ठेला उन्हीं के लिए 10,000 स्वनिधि योजना है, जो ठेला वगैरह था उनका सबका निबंधन होता है बजाबते, और उनके लिए एक वेंडर जोन बनाया जाता है जो अलग व्यवस्थित ढंग से फुटपाथ बना के उनको लगाया जाता है, दुकानदारी अपना करते हैं। हाँ जी जी, वो आरटीपीएस में सभी सुविधाएं जो आपको प्रखंड स्तर पर दी जाती हैं वो सारी सुविधाएं आपको शहर निकाय में भी है। परिश्रमन के दौरान कई गांव छूट जाते हैं, नगर पंचायत रहते हैं, ग्राम पंचायत, तो वैसे लोग कैसे जो अपना काम करा सकते हैं? नहीं, छूट जाते हैं तो वो कहीं ना कहीं ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं और अगर लगता है कि वो शहरी क्षेत्र के अनुकूल उनको होना चाहिए तो फिर से उनका सीमांकन होता है, उसके लिए उन लोगों को वहाँ की जनता को आवेदन देना पड़ता है, उस पर जाँच होती है, फिर उसका सीमांकन में उनको ऐड किया जाता है। तो आपने देखा कि करपालक पदाधिकारी से हमारी बात है, उन्होंने बताया कि क्या क्या सुविधाएं जो है उनको मिलती है और किस प्रकार वे सुविधाएं ले सकते हैं और नए जो भी नगर पंचायत बने हुए हैं वहाँ पे बिजनेस करने के लिए जो लोग हैं उन्हें आपके जो है ले सकते हैं, यहाँ से पैसा भी उनको मिलता है, लोन भी यहाँ से मिलता है और यही सब जो है फैसिलिटी नगर पंचायतों में मिलेगी। अंकित कुमार सिंह, न्यूज 18, सिवान।